विगत वीडियो में हमने चर्चा किया था कि यूरोपीय कंपनियों के मध्य जो है प्रतिस्पर्धा हुई और अंततः जो है अंग्रेज सबसे सफल रहे और परिणामतः जो है युद्ध बंगाल को ले करके जो है क्या होता है युद्ध होता है, जिसमें हमने बताया था प्लासी का युद्ध, जिससे भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ जाती है। तत्पश्चात जो है 1764 का जो है बक्सर का युद्ध होता है, जो सर्वाधिक निर्णायक युद्ध होता है, जो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना को जो है क्या कर देता है, सुदृढ़ता प्रदान कर देता है। उसी के पश्चात बक्सर विजय के पश्चात जो है कि स्थिति ये बनती है, क्लाइव को जो है पुरस्कृत किया जाता है और क्लाइव जो है पुनः जो है क्या होता है 1765 में बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। तो बक्सर विजय के बाद क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन के आया और जब गवर्नर बना तो इसने जो है जो पराजित त्रिगुट था, जिसमें मुगल बाद पराजित त्रिगुट से जो है क्या किया है, एक संधि करता है जिसे कहा जाता है इलाहाबाद की संधि, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये इलाहाबाद की संधि दो संधियां हुई हैं, एक पहली संधि है और दूसरी संधि है। पहली संधि क्लाइव जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से करता है, जो जिसका काल है 12 अगस्त 1765 को, 12 और 4 16, यानी दूसरी संधि इलाहाबाद की दूसरी संधि जो होगी वो 16 अगस्त 1765 में। तो परीक्षा में यह आता है कि पहली संधि किनके किनके बीच हुई है इलाहाबाद की, तो पहली संधि हम कंफर्म हो लेते हैं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ 12 अगस्त 1765 को होती है। तो संधि के तहत क्या होता है कि शाह आलम यानी मुगल बादशाह कंपनी को क्या करता है, बंगाल बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी जो है क्या करता है, सौंप देता है। अर्थात सारे राजस्व संबंधी अधिकार जो है क्या हो जाते हैं, अब कंपनी को क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। दूसरे बदले में जो है कंपनी उसे जो है 50 लाख रुपए देती है। तो यहाँ आपको केवल एक ही चीज़ गौर करना है, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी, ठीक है ना, प्रथम संधि के तहत। और जो दूसरी संधि होती है जो इलाहाबाद की दूसरी संधि कहलाएगी 12 16 अगस्त 1765 को, तो इसके तहत इलाहाबाद एवं कड़ा जिले सुजाऊ दौला अर्थात अवध के नवाब से ले करके इसे शाह आलम द्वितीय को क्या कर दिया गया, दे दिया गया। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, ये आता है परीक्षा में। अब देखते हैं, अब क्लाइव जो है क्या करता है, बंगाल में जो है अपना एक बंगाल बिहार उड़ीसा में जो है संयुक्त रूप से और एक शासन प्रणाली स्थापित करता है जिसे कहा जाता है द्वैध शासन। तो हम इस पर दृष्टिपात करेंगे, द्वैध शासन है क्या, तो बंगाल में द्वैध शासन को क्या कहा जाता है, डायरकी। कभी कभार परीक्षा में द्वैध शासन न लिख करके डायरकी आता है। तो द्वैध शासन आखिर में ऐसी शासन व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था का विचार किसने दिया, जनक कौन माना जाता है। इस द्वैध शासन व्यवस्था का जनक जो है लियोन कर्टिस माने जाते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है लियोन कर्टिस। तो क्लाइव लागू करता है इसको बंगाल में 1765 में और ये चलती है व्यवस्था कब तक, 1772। यहाँ से भी प्रश्न आपको आते हैं, यदि बंगाल की द्वैध शासन व्यवस्था का अवधि कितने समय तक रही, तो 1765 से और 1772 तक। अच्छा 72 तक रही थी, इसका मतलब इसको फिर एबॉलिश कर दिया गया होगा, समाप्त कर दिया गया होगा। तो समाप्त किया गया अर्थात इस व्यवस्था के कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त न होने के कारण आगामी गवर्नर जो है क्या होता है, वारेन हेस्टिंग जो है, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर भी है, बंगाल का अंतिम गवर्नर है। ये वारेन हेस्टिंग इस द्वैध शासन व्यवस्था को, क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन व्यवस्था को जो है क्या करता है, बंगाल से समाप्त कर देता है, ठीक है ना। अब देखते हैं वास्तव में द्वैध शासन
है क्या शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए, इसका अर्थ है कि एक ही राज्य में दोहरा शासन, यानी राज्य की, राज्य का जो मैसेज है, राज्य की जो पीपुल हैं, लोग हैं, उन पर क्या होगा, शासन दो तरफ से होगा, यानी दोहरा नियंत्रण होगा। तो दोहरा नियंत्रण होगा, तो अब दोहरा नियंत्रण है क्या, ये हम समझते हैं। तो द्वैध शासन व्यवस्था में दोहरा नियंत्रण था तो किसका था, एक तो कंपनी का था, एक कंपनी का है, और दूसरा जो है क्या है, नवाब का है। अब द्वैध शासन व्यवस्था के तहत, यानी कुछ कार्य पर नियंत्रण कंपनी करेगी, कुछ कार्यों पर नियंत्रण द्वैध शासन के नवाब करेगा, बंगाल का नवाब। तो किन कार्यों पर करेगा, तो कार्यों को दो वर्गों में बांटा गया, एक जो है कार्य है आपका दीवानी, और दूसरा काम है, कार्य है निजामत कार्य, निजामत कार्य। तो इसमें डिसाइड किया गया कि इस द्वैध शासन व्यवस्था में क्लाइव ने सुनिश्चित किया कि दीवानी संबंधी कार्य अर्थात संपत्ति और उससे संबंधित मामलों पर पूरा नियंत्रण किसका होगा, कंपनी का होगा। और निजामत का तात्पर्य यह है कि पुलिस व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, प्रतिरक्षा और न्याय व्यवस्था पर दायित्व तो किसका होगा, ये जो है स्थापित करने का दायित्व तो जो है क्या है, नवाब का। देखिए कितनी बड़ी चलाकी है, यानी राजस्व संबंधी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उस पर शासन प्रशासन की देखरेख कौन करेगा, कंपनी करेगी, खूब बढ़िया से आर्थिक दोहन करेगी। और निजामत कार्य जो उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है वो कौन करेगा, वो नवाब के जिम्मे सौंप दिया गया। तो अब हम यहां देख रहे हैं कि पहले यही कार्य दोनों, यानी दीवानी और निजामत कार्य, बंगाल का नवाब करता था। तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, मुगल साम्राज्य, मुगल प्रशासन में जाते हैं, तो मुगल प्रशासन में प्रांतों का प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से विभाजन, साम्राज्य का विभाजन हुआ था प्रांत में, और प्रांत को क्या कहते थे, सूबा कहते थे। देखिए मुगल प्रशासन यहाँ है, तो प्रांत क्या कहलाता था, सूबा, ठीक है ना, और इसका हेड सूबेदार कहलाता था, ठीक है ना। तो सूबे किस में डिवाइड थे, सरकार में, जिला में, और सरकार जो थी डिवाइड थी सिक में, जिसे कहते थे परगना कहते हैं। तो ये जो आगामी जब चैप्टर आएगा तो उसमें और डिस्क्राइब करेंगे। तो प्रांतों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था तक समय, यानी मुगल प्रशासन में दीवानी कार्य और ये जो है निजामत कार्य, दीवानी और निजामत का, दीवान था और सूबेदार था, दीवान और सूबेदार था प्रांतों में, ठीक है ना। तो सूबे दीवान जो था वो राजस्व और वित्त का अधिकारी होता था, और सूबेदार जो था पुलिस एवं प्रतिरक्षा न्याय व्यवस्था का था, अर्थात ये कार्य निजामत कार्य था जो सूबेदार कर रहा था। लेकिन जैसे हमने बताया कि मुगल साम्राज्य का जो है सर्वाधिक एक्सटेंशन जो है औरंगजेब के काल में हुआ, तो औरंगजेब के पश्चात उत्तरवर्ती जितने भी मुगल साम्राज्य शासक हुए वो क्या हुए, अयोग्य साबित हुए। तो ऐसे में मुगल साम्राज्य के खंडहर पर नवीन स्वतंत्र राज्यों का क्या होता है, उदय होता है। उसमें अवध होता है सआदत खां के नेतृत्व में, कर्नाटक होता है स्वतंत्र होता है, फरुखाबाद होता है बंगस पठानों के नेतृत्व में, और उसी में एक है पहला स्वतंत्र राज्य, अर्थात मुगल साम्राज्य के खंडहर पर उदित होने वाला पहला स्वतंत्र राज्य है मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, मुर्शीद कुली खां, ये मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल जब स्वतंत्र होता है, तो ये दीवानी और निजामत दोनों कार्य जो है क्या करता था, स्वयं करता था। अर्थात पूर्व की व्यवस्था में दीवानी और निजामत दोनों कार्य कौन करता था, बादशाह करता और ये नवाब करता था। लेकिन यहाँ क्लायू ने डिवाइड कर दिया, दीवानी कार्य कंपनी और निजामत कार्य जो है क्या करेगा, नवाब करेगा। तो अब देखते हैं कि
इस शासन व्यवस्था की विशेषता पूछी जाती है, द्वैध शासन की विशेषता क्या रही है महत्वपूर्ण, तो कई विकल्प रहेंगे, लेकिन आप जो है सबसे अप्रिप्रिएट आंसर इसका होगा उत्तरदायित्व रहित अधिकार। उत्तरदायित्व रहित अधिकार अर्थात जितने भी ये हैं उत्तरदायित्व रहित अधिकार, यानी नवाब के पास, सॉरी ये देखिए, यानी कंपनी के पास जो दीवानी मामला था इसके पास उत्तरदायित्व कोई नहीं था। कहाँ कानून व्यवस्था करना, कहाँ प्रतिरक्षा व्यवस्था करना, केवल राजस्व संबंधी मामले देखेगी। तो कंपनी के पास क्या है, उत्तरदायित्व है बट जो है उत्तरदायित्व रहित, उत्तरदायित्व नहीं है बट क्या है, अधिकार है। और दूसरी स्थिति है अधिकार रहित, अधिकार रहित उत्तरदायित्व अर्थात नवाब के पास अधिकार नहीं है बट उत्तरदायित्व है, सारी कानून व्यवस्था का मेंटेन करना, अन्य कार्य करना, न्याय व्यवस्था करना, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना, सब जो है दायित्व किस पर है, आपके नवाब पर है। तो परीक्षा का यही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि द्वैध शासन प्रणाली की सबसे विशेषता क्या रही है, उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। जाहिर है अगर शासन प्रशासन का नियंत्रण जो है क्या होगा, जैसे एक जगह से होगा, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड आदेश की एकता, यानी एक बास जो होगा उसके नियंत्रण अगर शासन प्रशासन चलेगा तो उसके सकारात्मक परिणाम होंगे। अगर आदेश की अनेकता होगी तो ऐसे में जो है प्रशासन या संगठन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तव में यही यहाँ भी देखने को हमें मिलता है। इसके पर क्या होता है, इस द्वैध शासन के जो है दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। अब जो कंपनी के राजस्व अधिकारी हैं वो मनमाने तरीके से जो लोगों से जो है क्या करते हैं, कर वसूल करते हैं, ठीक है ना। इतना कर बोझ हो जाता है कि लोग जो है क्या कर रहे हैं, कृषि छोड़ना जो है क्या कर रहे हैं, छोड़ने तक का कदम उठा लेते हैं। कृषकों ने बढ़ी हुई लगान और उपयुक्त तो सुविधाएं न प्राप्त करने के कारण ये जो है कृषि से जो है क्या कर लिया, स्वयं को अलग कर लिया। ऐसी स्थिति में वहां भूख की समस्या पैदा हुई, भयंकर अकाल पड़ा, यानी टोटल भयंकर अकाल पड़ा। और इवन यहाँ तक कि है लोग जो है एक दूसरे को मार कर, कहा तो ये जाता है लोग एक दूसरे को मार करके अपनी क्षुधा की परिपूर्ति कर लेते थे। अर्थात ये 1770 का बंगाल का जो भयंकर अकाल था इससे लोग बंगालवासी जो है त्रस्त हो गए और दूसरे अंग्रेजों की भय इन लोगों को बंगाल छोड़ने के लिए विवश कर दिया। लगभग करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, अर्थात टोटल तब समय टोटल पॉपुलेशन की 1/3 जनसंख्या जो है क्या हो गई, अकाल से मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब दूसरी बात, इसका दुष्परिणाम ये अकाल आया। फिर इसी के शासनकाल में, क्लायु के शासनकाल में ये परीक्षा का प्रश्न बनता है। क्लायु के शासनकाल में कम वेतन को लेकर के अब आप वास्तविक जनता का शासक हो, उसके हितों का पोषण नहीं करोगे तो आपको दुष्परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो ये हुआ, अब स्वयं अंग्रेज सैनिक क्लायु के क्या हो गए, विरुद्ध हुए। विरुद्ध होने का कारण क्या है कि कम वेतन को लेकर के अंग्रेज सैनिकों ने जो है विद्रोह किया। अंग्रेज कैसे हैं, श्वेत हैं, इसलिए अंग्रेज सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह क्या कहलाता है, श्वेत विद्रोह। क्या कहलाएगा, श्वेत विद्रोह। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अर्थात बंगाल के किस गवर्नर के पीरियड में जो है क्या होता है, श्वेत विद्रोह होता है। तो ये है आपका श्वेत विद्रोह जो है किसके काल में है, क्लायु के शासन काल में, अंग्रेज सैनिकों द्वारा जो है कम वेतन को लेकर के। जाहिर है इसके दुष्परिणाम सब लोग त्रस्त हुए। तो अब इसका दुष्परिणाम जो हुआ तो देखते हैं, परिणामतः ये चीज़ होती है कि अब जो है इसे तरह तरह से इस व्यवस्था को आलोचित किया जाता है। K.M. पणिक्कर का कथन आता है, K.M. पणिक्कर का,
ये हम पणिक्कर का काल यानी 1765 से 1772 तक का के शासनकाल को केएम पणिक्कर ने डाकुओं का राज्य कहा है। क्या कहा है? डाकुओं का राज्य। और इतिहासकार परसिवेल हैं जिन्होंने कहा है बेशर्मी भरी लूट कहा है। तो केएम पणिक्कर का जो है कथन आपको परीक्षा में आता है, इनको दृष्टिगत रखिएगा कि द्वैध शासन की अवधि में को किस विद्वान ने जो है किस विद्वान ने डाकुओं का राज्य कहा है, लुटेरों का राज्य कहा है, वो हैं केएम पणिक्कर। शेष जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले क्रम में जो है बताएंगे, और इनको आप नोट करते रहिएगा, बहुत ही उपयोगी जानकारी है हर परीक्षा के लिए। हमारे उत्कर्ष का प्रयास है कि आपकी आपको जो है बहुत मतलब सरल शब्दों में आप तक जो है क्या किया जाए, उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद।